dear trainees assalamu alaikum in this lesson we are going to continue from where we left off in our last lesson that is making and memorizing an invoice as you remember that last time we memorized an invoice which was never to prompt us but in this exercise we are going to see how to memorize invoice which are going to prompt us and which we can automate टू बी जनरेटिड रिकल्सिवली इन द डिफाइंड पीरियड जो भी आप पीरियड मंथली वीकली एनुअल सेमी एनुअल डिफाइंड करेंगे ये इन्वायस ऑटोमेटिकली उस कस्टमर के लिए जनरेट हो जाएगी आइए देखते हैं क्विक बुक्स में ये काम किस तरीके से किया जाता है आपको याद होगा कि पिछले सेशन में हमने इन्वाइस क्रिएट की थी हम दोबारा से उसी अपने कस्टमर के लिए एक इन्वाइस क्रिएट कर रहे हैं और अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि ये इनवॉइस जो हम क्रिएट करने लगे हैं कि किस तरह हमें मंथली बेसिस पे ऑटो जनरेट करके दे सकती है आइटम कोड हम एक से ज़्यादा डाल रहे हैं हम अपने कस्टमर को लेबर सप्लाई करते हैं और उसका हमने उससे एक रेट तय किया हुआ है जो मंथली बेसिस पे हमें अदा करता रहता है इसके अलावा वो हमसे इंस्टॉलेशन का काम भी लेता है इसका भी हमने उससे एक रेट फिक्स किया हुआ है और ये हमसे मंथली बेसिस पे हम उसको बिल करते रहते हैं ये हमारी इन्वाइस हमारे सामने मौजूद है इसको हम चाहते हैं मंथली बेसिस पे उसको बिल कर दिया करें और हमें ये मसला ना हो कि हम हर महीने ये इनवाइस पूरी की पूरी दोबारा से रीडिज़ाइन करें रीडिज़ाइन री का मतलब ये है कि हम पूरा उसके कस्टमर का नाम डालें टर्म्स एंड कंडीशन डालें क्वान्टिटियाँ डालें आइटम चूज़ करें और फिर इसे क्रिएट करें हम चाह रहे हैं कि रेंट की तरह या मेंटेनेंस एग्रीमेंट की तरह ये ऐसे एग्रीमेंट की तरह ये हमारे पास रिकर्सिवली अगले आने वाले महीनों में या दिनों में ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाया करें जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था इसके लिए हमने इसको मेमोराइज कराना है और उससे पहले हम इसे सेव कर लेंगे जब आप मेमोराइज कराने जाएंगे तो हम इसका नाम रखते हैं अपनी याददाश्त के लिए इन वॉयस टू एक हम पहले ही अपने लिए इन वॉयस वन के नाम से बना चुके हैं इसमें हम जो ऑप्शन चूज करने लगे हैं उसका नाम है एड टू माई रिमाइंडर लिस्ट हमारे पास एक लिस्ट मौजूद होगी जिसमें हमारे सारे रिमाइंडर हमें नज़र आते रहेंगे असल चीज़ जो इस ऑप्शन के साथ हमने चूज करनी है वो है हाउ ऑफन कितनी दफ़ा हमें ये चीज़ हमें प्रॉम्प्ट करे हमारे पास ये सारे ऑप्शन मौजूद हैं जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये हम मंथली बना सकते हैं वीकली बना सकते हैं हर दो महीने बाद बना सकते हैं क्वार्टरली बना सकते हैं दिस इज़ ऑल एंटायरली अप टू अस ये बेस करता है आपके नेचर ऑफ बिजनेस पे नंबर वन और नेचर ऑफ़ कॉन्ट्रैक्ट पे नंबर टू जिस तरीके आपने उससे कॉन्ट्रैक्ट किया है उसी लिहाज से उसी फ्रीक्वेंसी से ये जो आपकी इन है ये क्रिएट होनी है हमने उसमें सारे आइटम डाल दिए हैं अब हमने उसे बताना है कि कितनी दफ़ा आने वाले दिनों में इसने बनना है उसका तरीक़ेक ये कि आसानी के लिए हम ये कहते हैं कि ये इन हमें मंथली क्रिएट करके दे दिया और नेक्स्ट जो हमसे वो ऑप्शन पूछता है कि ये कब बनेगी अगर इस महीने की ये इन्वाइस बन चुकी है तो अब ये अगले महीने की पहली तारीख को बननी चाहिए हमने अगले महीने की पहली तारीख उसे दे दी इसका मतलब अब ये हुआ कि ये इन्वाइस हर महीने की पहली तारीख को इनवोक होगी और हमें प्रॉम्प्ट करेगी कि इसको सेव किया जाए और भेजा जाए आइए इसे हम ओके okay करते हैं और चेक करते हैं कि ये हमारी लिस्ट में आई है या नहीं ही हमने ये इन अपनी एक टेम्पलेट बनाया था और लिस्ट में दिया था तो हमेशा की तरह ये भी हमें मेमोराइज हम ट्रांजेक्शन लिस्ट में नज़र आएगी और याद होगा आपको कि हमने इन वॉयस टू के नाम से ये इन्वाइस बनाई थी इसमें और पिछली इन वॉयस में सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि पिछली इन वॉयस की फ्रीक्वेंसी नेवर थी लेकिन इसकी फ्रीक्वेंसी मंथली है ये हर महीने ऑटो जनरेट हो जाया करेगी और हमें प्रॉम्प्ट करेगी कि आप इसे सेव करके इसे क्रिएट करें दूसरी चीज़ इसने जो आपको टाइम बताया है वो है जो आपने सेलेक्ट किया था यानी फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ इस केस में अगले महीने का पहली तारीख अब हमारे पास दो ऑप्शन की टेम्पलेट बन के सामने आ गए हैं आइए हम इसके ऊपर ही एक तीसरा टेम्पलेट बनाते हैं जो हमारे तीसरे ऑप्शन को कवर करे और आपको ये अंडरस्टैंडिंग हो कि हमें ये चीज़ ये ऑप्शन किस किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं और हमें इसे फ़ायदा क्या होता है तीसरा ऑप्शन वो ऑप्शन है जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है इसके लिए हमें अगेन एडिट में जाके मेमोराइज़ इन करनी होगी और फॉर दिस ऑप्शन हम इसका नाम रखेंगे इन वॉइस थ्री ये ऑप्शन है जी ऑटोमेट ट्रांजेक्शन एंट्री इसका मतलब ये है कि अब आप कंप्यूटर से कह रहे हैं कि यू आर गोइंग टू डू दिस वर्क ऑन माई बिहाफ लेकिन वो अपनी मर्जी से नहीं करेगा सारा सेटअप आपने अभी करना है और सेटअप आपने क्यों करना है यू आर द ओनर ऑफ दिस सिस्टम ये आपने अपने फाइनेंस डिपार्टमेंट से फाइनलाइज कराना है कि हमने किस फ्रीक्वेंसी से बनानी है क्या इन्वायस बनानी है कब हमें प्रॉम्प्ट करे और कैसे बने वंस अगेन हाउ ऑफन में एज एन एग्जाम्पल वॉट वी आर टेकिंग इज मंथली इसका मतलब है कि ये हर महीने हमारी इन बन जाया करेगी डेट हम अपनी मर्जी की दे सकते हैं और हम कहते हैं कि ये पहली तारीख को बना करेगी लेकिन जस्ट टू टेस्ट वाट वी आर गोइंग टू डू इज़ वी आर गोइंग टू से दिस इन वॉयस शुड बी जनरेटेड ऑन नेक्स्ट डेट इज़ ट्वेंटी फाइव टेन टू थाउजेंड एंड एटीन नंबर रिमेनिंग का मतलब यह है कि ये आप हमें बताएं कि ये इन कितने और मंथ अगर यहाँ ऊपर हम वीक चूज करते हैं तो कितने और वीक अगर वो एनुअल चूज़ करते हैं तो कितने और साल हमने मंथ चूज़ किया है तो हमें बताना है कि कितने और महीने ये इन्वाइस ऑटोमेटिकली बनेगी रीज़न क्या है रीज़न बड़ी सिंपल है रीज़न ये है कि हमें यह पता होना चाहिए कि साल के बाद अगर हमने अपना रेंट की वैल्यू रिन्यू करवानी है तो कितने दिनों तक हमने इससे रेंट लेना है और उसके बाद ऑटोमेटिकली आपको जैसे पता है कि हम कोई परसेंटेज इंक्रीज करते हैं हो सकता है कि हमने एक महीने का रेंट ले लिया हो और ग्यारह महीने बाकी हुआ. अगर ग्यारह महीने बाकी हैं तो आप नंबर रिमेनिंग में ग्यारह डाल देंगे दूसरी चीज़ जो मैंने आपको एक्सप्लेन करनी है वो ये है कि बार दफा ये होता है कि लाइसेंसिंग पीरियड होता है एक फिस्कल ईयर के लिए फिस्कल ईयर का मतलब हमारे केस में पाकिस्तान में क्या है हमारे केस में है जुलाई से लेके अगले साल की तीस जून तक अगर आपने फर्स्ट जुलाई को चीज कोई भी अपनी रिन्यू करवाई हुई है मोटर व्हीकल टैक्स हो सकता है तो वो ऑटोमेटिकली अगले साल के तीस जून तक वैलिड होगा अगर आपने अगले साल के मार्च में भी मोटर व्हीकल टैक्स पहली दफा पे किया है तो वो भी वैलिड 30 जून तक ही होगा उससे आगे नहीं होगा और आपको देना भी दोबारा से पूरा ही पड़ेगा चार महीने बाद तो ये बड़ी सारी अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं और अकाउंटिंग की चीज़ें हैं जो आपको आपका फाइनेंस डिपार्टमेंट बताएगा इन दिस केस क्योंकि दसवां महीना चल रहा है तो हम कहते हैं कि मजीद सात दफ़ा ये इन्वायस ऑटोमेटिकली बनेगी तीस जून तक और हमने ये नेक्स्ट डेट पच्चीस दस की एक ख़ास वजह से दी है वो अभी हम आगे चल के जैसे हमने इसे सेव किया ये टेम्पलेट सेव हो गया है मेमराइज हो गया है अब हमारी ये लिस्ट में मौजूद है आइए हम इसको देख लेते हैं क्योंकि ये एक लिस्ट है इसलिए मेमोराइज ट्रांजेक्शन लिस्ट में हम जाके से देखेंगे और हमारे पास ये आप देख सकते हैं ये तीसरा इन्वाइस का टेम्पलेट जो हमने बनाया था वो मौजूद है इसमें और बाकियों में क्या फ़र्क है वो आपको साफ़ नज़र आ जाएगा सबसे पहली चीज़ पहले और इसमें जो फ़र्क है पहला नेवर है यह मंथली है लेकिन हमारा जो अगला वाला था वो भी मंथली था आइए और आगे देखें इसमें डेट दोनों में दी हुई है क्योंकि ये मंथली जनरेटेड है तीसरी चीज़ क्या है तीसरी चीज़ ये है कि इसके आगे ऑटो का टिक लगा हुआ है ऑटोकैटिक का, का मतलब ये है कि ये ऑटोमेटिकली जनरेट होगा और हमको प्रॉम्प्ट करेगा ऑटोमेटिकली जनरेट होकर हमें प्रॉम्प्ट करने से सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि हमारे पास अगर एक से ज़्यादा क्लाइंट है और बल्कि बहुत सारे क्लाइंट है तो हमें हर चीज़ का रिकॉर्ड खुद मेंटेन करना पड़ता है इन दिस केस क्योंकि वी आर ऑटोमेटिंग आर सिस्टम इस केस में यह तमाम रिकॉर्ड कंप्यूटर ख़ुद अपने पास रखता है एक दफ़ा आप सेटअप करते हैं एट द टाइम ऑफ क्रिएशन ऑफ दैट क्लाइंट और कस्टमर और ये सिस्टम हमें बार बार प्रॉम्प्ट करता चला जाता है अब हमने ये टैंपलेट बना दिया है आइए देखते हैं कि इससे हमें फ़ायदा क्या होगा सबसे बड़ा फ़ायदा इसका यह है कि अब हमने ये टैंपलेट बार बार नहीं बनाना हर महीने ये ऑटो जनरेट हो जाया करेगा हमें प्रॉम्प्ट करेगा हमने सिर्फ इसको ओके okay करना है जैसे ही हम इसको ओके okay करेंगे ये सिस्टम हमारे पास चल जाया करेगा और ये इनवॉइस जो हमने बनाई थी ये आपको नज़र आने लगेगी अब जैसे ही हम क्विक बुक्स में दोबारा आए हैं आपको नज़र आ रहा है कि हमारे पास वो तमाम सात इन्वासेस जो सब्सिक्वेंटली एवरी मंथ बननी है वो लिस्ट डाउन हो गई हैं उन ट्रांजैक्शन के टेम्पलेट का नाम भी आ रहा है हमें फ्रीक्वेंसी भी आ रही है मंथली जो हमने सेलेक्ट की थी और जो डेट्स जिन पर ये इन्वोक होगा वो तमाम की तमाम हमें नज़र आ रही है। हम चाहें तो इन सब को अभी एंटर करके सेव कर सकते हैं लेकिन हम चाहेंगे कि जब ये इन्वोक हो जब ये डेट इनके हमारे सामने आए उससे दो दिन पहले हमें ये पता चल जाए कि ये बननी है इसके लिए हम चूज करेंगे एंटर ऑल लेटर जैसे जैसे वो दिन आता जाएगा हम उसी वक्त इसको एंटर करेंगे रीजन भी हर चीज़ का कोई ना कोई वजह होती इसकी वजह ये है कि ये एक छोटा सा पीरियड है उस दौरान में शायद कोई चेंज आ जाए हमारे पास टेम्पलेट मौजूद है वो ऑटोमेटिकली बन के आ जाएगी लेकिन अगर कोई चेंज आ गया है उस दौरान में तो हम उसको इसी इनवॉइस के अंदर जो है उसे करेक्ट कर लेंगे हो सकता है कोई नया टैक्स लग गया हो हो सकता है किसी चीज़ का रेट एनहांस हो गया हो, हो सकता है कि कोई आइटम वो इजाफी चाह रहे हो जो भी चीज़ वो चाहेंगे उसको करेक्शन के लिए हम इस चीज़ को एंटर करेंगे एज एंड वेन रिक्वायर्ड लेकिन हम ये सारे टेम्पलेट जो सात महीनों के हमने चूज किए थे वो तो सारे के सारे हम अपने पास सेव कर लेंगे क्विक बुक्स डिडेंट एंटर दीज मेमोराइज ट्रांजैक्शंस यू विल सी दिस लिस्ट अगेन नेक्स्ट टाइम यू स्टार्ट क्विक बुक्स और हम चाहते भी हैं कि ये जब भी हम क्विक बुक्स में री एंटर हो तो हमें ये लिस्ट नज़र आए और जिसको हमने इन्वोक करना है हम उसको इन्वोक कर दें अब हमने अपने इन्वाइस को मुख्तलिफ अंदाज से एज़ ए टेम्पलेट सेव करना सीख लिया हम ये भी कर सकते हैं कि एडवांस में फॉर कमिंग पीरियड्स बहुत सारे इन्वाइस बना कर रख लें और जब भी चाहें हम उनको इन्वोक करें और उनको इस्तेमाल करते हुए उनको अपने क्लाइंट या कस्टमर के लिए फ़ाइनलाइज कर लें इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि हमें बार बार एक ही आइटम एक ही चीज़ बार बार वो डिटेल एंटर नहीं करनी पड़ती और जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि अगर एक से ज़्यादा आइटम हो तो आप ख़ुद सोच सकते हैं कि इतने सारे कस्टमर कस्टमरी क्लाइंट को एक पीरियडिकली बनाए हुए डॉक्यूमेंट में बार बार एंट्री में आपको काफ़ी टाइम वेस्ट होता है सो वॉट वी नीड टू डू इज़ ऑटोमेट आर वर्क हमें अपना काम ऑटोमेट करना चाहिए ताकि हमें आसानी हो और हमें किसी किस्म की दुश्वारी ना हो जब हम एक ही चीज़ बार बार करें जैसे कि मैं आपको हर लेक्चर के एंड में बताता हूँ कि कंप्यूटर हमें रूटीन का काम बार बार करने वाला काम बिल्कुल सही तरीके से हमेशा टाइम पे करके देता है तो हमें उसका ये सबसे बड़ा जो है फ़ायदा है वो हमें हमेशा फ़ायदा उठाना चाहिए सो इन कंक्लूजन दिस इज़ हाउ यू ऑटोमेट द जनरेशन ऑफ योर इन्वाइस इन क्विक बुक्स